Cheers friend, welcome here again on my channel Jankari, myself is Abhilashi Sharma. I am here for your Jankari, his third video regarding GST. आपको एक बात बता दूं कि GST पर मैंने लगातार ये तीसरी वीडियो है, अकाउंटेंसी पर लगातार जो 21 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये ध्यान रखना 21 वीडियोस हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड और बहुत सी आने वाली हैं। तो जो जीएसटी की पहली दो वीडियो है उनमें मैंने आपको बताया कि जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्टरी फॉर्मेशन कैसा है, जीएसटी का सेटअप कैसा है, फिर जीएसटी की जर्नल एंट्रीज कैसे डालते हैं, उसको सेट ऑफ कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं जीएसटी की इनपुट की आउटपुट के साथ। ये मैंने सेकेंड वीडियो में जो 20th वीडियो है उसमें डाला रहा हूँ। आज इस वीडियो में जो 21st वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि कंप्लीट जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन जीएसटी के साथ कैसे करते हैं। लेट्स मूव अहेड विद मी टू मेक दिस टॉपिक वेरी इजी। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले की वीडियोस में मैंने जीएसटी का जो बेसिक है उसको मैंने डिटेल में दो वीडियो में समझाया है अपने ही इस चैनल पर, फिर भी जल्दी जल्दी से एक बार रिव्यू करते हैं। हमें पता है जो जीएसटी है वो तीन तरह का, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये टॉप पे देखें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें पता है तब लगते हैं जो जीएसटी का ये फॉर्म है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस का लेन देन इंट्रा स्टेट होता है, स्टेट के अंदर एक ही स्टेट में वहीं पर वस्तुएं बने और वहीं पर वो सेल परचेज हो, ये ध्यान रखना। और आईजीएसटी तब लगता है जब, ध्यान रखना इस बात का, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, इंटेग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सी और एस को इंटेग्रेट कर दिया, कंबाइन कर दिया। आपको यह भी पता है कि अगर 18% जीएसटी लग रहा है, अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% लगेंगे, अगर आईजीएसटी है तो वो 18% लगेगा कंबाइंड रूप में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। वैसे तो जीएसटी के तीन टाइप, पर अकाउंटिंग पर्पस से हमें ये देखने में ऐसा लगता है कि 6 टाइप है। यस, ये क्लियर होना चाहिए। तीनों टाइप के दो दो टाइप बन जाते हैं। कैसे? जब भी कोई इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट और एनी एक्सपेंसेस, जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया, अगर इनमें से कोई पोजीशन होती है तो जो भी जीएसटी लगे, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, वो इनपुट होता है, ध्यान रखना। क्योंकि जब परचेज करेंगे, फिक्स एसेट को परचेज करेंगे, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे या कोई एक्सपेंसेस करेंगे, वो बिजनेसमैन पे करके आता है। देखने में लगता है कि बिजनेस से पैसे बाहर गए, पर उसको इनपुट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पैसे वापस आने होते हैं जब कस्टमर को वही गुड्स सेल करता है, तो उसमें से वो अपने पैसे निकाल लेता है बिजनेसमैन। क्लियर? इसी कारण उसके आगे इनपुट लगता है। आगे देखिए, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर सेल हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की और साथ में कोई इनकम हो रही है बिजनेस को, ये दोनों की दोनों पोजीशन है अगर, तो जो भी जीएसटी लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, तो वो आउटपुट जीएसटी होता है, ध्यान रखना। ये आउटपुट क्या होता है? कस्टमर ने बिजनेसमैन को पे कर दिया, लगता है बिजनेसमैन के पास तो आ गया, आया नहीं है भाई, उसमें से बिजनेसमैन जो पे करके आया था इनपुट के रूप में, वो अपने पास रख के बाकी सारा गवर्नमेंट के खजाने में जाने वाला है भाई, ध्यान रखना। इसी कारण है जो कस्टमर से चार्ज करते हैं उसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। आगे कंक्लूसिव सेट ऑफ। अब बात करते हैं कि जीएसटी को सेट ऑफ कैसे करते हैं। सेट ऑफ मतलब उसकी सेटिंग, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। मैंने बोला ना कि इनपुट को आउटपुट में से रख लेता है, वो रखने के ढंग को ही हम सेट ऑफ या एडजस्ट करना कहते हैं। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी की बात करते हैं। इनपुट आईजीएसटी या इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी, तीनों के बारे में एक बात कॉमन है कि इन तीनों का जो इनपुट है, पहले इन तीनों के ही आउटपुट में से एडजस्ट होता है, आउटपुट आईजीएसटी में से, आउटपुट सीजीएसटी में से, आउटपुट एसजीएसटी में से। क्लियर? समझ लगा? अगर इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट आईजीएसटी एडजस्ट करने के बाद भी उसमें पैसे पड़े हैं, आउटपुट आईजीएसटी में फिर भी पैसे पड़े हैं, तो ध्यान रखना उसमें से जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हैं उसको एडजस्ट किया जाता है। अगर ध्यान, जो मैं बात बता रहा हूं, पहले इसको देखो जो ग्रीन शेड में लिखा हुआ है, इनपुट सीजीएसटी,
इसको पहले तो इनपुट आउटपुट सीजीएसटी में से एडजस्ट करेंगे। मान लो तो सारा एडजस्ट हो गया, बात खत्म। अगर नहीं हुआ, इनपुट ज्यादा है, तो उसको करेंगे आउटपुट आईजीएसटी में से एडजस्ट। क्लियर? इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी, पहले तो आउटपुट एसजीएसटी में से एडजस्ट करेंगे। अगर सारा हो गया देन इट्स ओके, अगर नहीं हुआ तो उसको आउटपुट आईजीएसटी में से करेंगे। तो बात क्या बनी, जो इनपुट आईजीएसटी है उसको आउटपुट आईजीएसटी में से एडजस्ट करना है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, अगर आउटपुट किसी भी जीएसटी में, आईजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी में, अगर एसजीएसटी में कोई बैलेंस पड़ा है तो वो गवर्नमेंट को चला जाता है, ये ध्यान रखना। ये व्यापारी के पास नहीं रहता अगर आउटपुट उसके पास पड़ा है। नेक्स्ट, आज कंप्लीट क्वेश्चन की बात की थी मैंने, तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है। मैसेज सॉम एंड सन्स हैज इट्स बिजनेस फ्रॉम पटियाला फॉलिंग अंडर द ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। मैसेज सॉम एंड सन्स है भाई, पटियाला से बिजनेस चला रहे हैं, ध्यान रखना। पटियाला मींस पंजाब, एक स्टेट का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने डिसाइड करना है कि इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट। और जीएसटी की जो रेट है उसने शुरू में बता दिया, जीएसटी रेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच 9% और आईजीएसटी 18%। एक और लिख रखा है सीए, मतलब कोई प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी फीस अगर देते हैं तो उस पर 2.5% ईच एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा, 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी, ये ध्यान रखना। ये उसने स्टार्टिंग में दे दी, ये किसी ट्रांजेक्शन के साथ में भी दे सकता है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन के एंड में भी दे सकता है, या ईच ट्रांजेक्शन के साथ जीएसटी कितना लगना है ये बताया जा सकता है क्वेश्चन में, जब एग्जाम में आएंगे। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है 3 जुलाई की, क्योंकि हम जुलाई 2019 की बात कर रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मैसेज अमन फ्रॉम लुधियाना। यस, मैसेज अमन फ्रॉम लुधियाना से गुड्स परचेज किए हैं, साफ दिख रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जनरल परचेज होती, बिना जीएसटी की तो एंट्री क्या होनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसेज अमन। ओके, पर जीएसटी लगना है, मैंने बताया जब परचेज है तो इनपुट लगेगा। क्लियर? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हमने 9% कैलकुलेट किया, ईच 9% वो 4500 बना, 4500 इनपुट सीजीएसटी, 4500 इनपुट एसजीएसटी। कारण ट्रांजेक्शन लुधियाना की है, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लगेंगे, बीइंग गुड्स परचेज विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच। क्लियर? नेक्स्ट वन, 5th जुलाई की, ये तो रेट लिखे हुए हैं ऊपर टॉप पे, वही परचेज गुड्स फ्रॉम मैसेज रमन फ्रॉम दिल्ली रुपीज 80,000। यस, पंजाब का व्यापारी था, भी व्यापारी जो था वो पंजाब का था, बिजनेसमैन, उसने दिल्ली मैसेज रमन के साथ से गुड्स परचेज किए हैं 80,000। ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, समझ लगी। अब इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, परचेज है, इनपुट लगेगा और आईजीएसटी लगेगा। क्लियर? 80,000 पे हमने क्या किया, 18% कैलकुलेट किया, 4,1400 जीएसटी आ गया, वो सारा का सारा आईजीएसटी है। एंट्री क्या बनगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, टू मैसेज रमन 94,400 बीइंग गुड्स परचेज्ड विद आईजीएसटी 18% एज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, डिपॉजिट सीजीएसटी रुपीज 1,000, एसजीएसटी 1,000, आईजीएसटी 5,000। वही बिजनेसमैन ने पैसे जमा करवा दिए, इनपुट कौन कौन से जमा करवाए हैं, जो डिपॉजिट कराया उसने सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, मतलब पे कर दिए बिजनेसमैन ने, ड्यू टू सर्टन ट्रांजेक्शंस बिजनेसमैन को जमा कराने पड़े, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। हमें पता है कि बिजनेसमैन जब पे करके आता है ना जीएसटी, वो उसके लिए इनपुट ही होता है, क्योंकि उसने कस्टमर से वापस लेना होता है। यस, टू बैंक अकाउंट, तीनों को मिला के 7,000 बीइंग जीएसटी डिपॉजिटेड और पेड टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू हनी ट्रेडर्स फगवाड़ा रुपीज 30,000। फगवाड़ा की ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो क्या लगेगा, हमें पता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सेल है तो आउटपुट है, क्योंकि सेल क्रेडिट होती है। क्लियर? कस्टमर को हमने सेल की, कस्टमर ने हमें जीएसटी पे किया एज ए बिजनेसमैन,
जब हमारे पास जीएसटी आया वो तो हमने गवर्नमेंट को देना है, उसमें से इनपुट रख के, इसलिए ये आउटपुट होता है। बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरी पिछली वीडियो देख के चेक कर सकते हो, डिटेल में वहां पर बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, एंट्री क्या बनी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हनी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर बिना जीएसटी होती तो ये ट्रांजेक्शन होनी थी, साथ में जीएसटी लगा, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, क्या किया 30,000 पे हमने जब जीएसटी कैलकुलेट किया 9%, 2,700 दोनों टाइप के जीएसटी आ गए, और हनी ट्रेडर से जो हनी ट्रेडर है हमारा डेटर बना 35,400 के साथ, बीइंग गुड सोल्ड विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच एज इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट है ना भी, क्योंकि फगवाड़ा एंड पटियाला एक ही स्टेट है पंजाब में। यस, नेक्स्ट वन, 10 जुलाई की सोल्ड गुड्स फॉर कैश 22,000, सेल किया है फिर से, पर इस बार कैश है भाई, ध्यान रखना कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, हमें पता है जर्नल एंट्री ऐसे होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट तो हो गया, सेल भी क्रेडिट हो गया, पर हमें पता है सेल पे जो जीएसटी लगना है वो क्या लगना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्यों लगना है, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां बताया ही नहीं गया कि ट्रांजेक्शन किस स्टेट की है, जब ऐसी स्थिति हो तो उस ट्रांजेक्शन को इंट्रा स्टेट माना जाता है। डियर स्टूडेंट याद रखना इस बात को, इंट्रा स्टेट का मतलब उसी स्टेट की माना जाता है अगर मेंशन नहीं है वो, ध्यान रखो इस बात को। हाँ जी, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लग गए इस पर, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी 2000 पे कैलकुलेट किया 180 ईच 9% हो गया, तो कैश कितना आ गया 2360, बीइंग गुड सोल्ड विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच एज इंट्रा स्टेट सेल। ओके, नेक्स्ट वन, 15 जुलाई, टॉप पे देखो, सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मी ट्रेडर सूरत रुपीज 1,50,000, लक्ष्मी ट्रेडर है भाई सूरत गुजरात का, सेल की है, बिजनेसमैन कहां का है, पटियाला का, तो ट्रांजेक्शन होगी इंटरस्टेट। अब जीएसटी कौन सा लगेगा, आईजीएसटी, सेल पे कौन सा लगता है, आउटपुट हमें पता है, एंट्री क्या होगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हमें पता है अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती तो क्या होना था, लक्ष्मी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, यस लक्ष्मी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पर साथ में क्या लग गया, आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर होगी स्टूडेंट ये बात, यस ये बातें हमें ध्यान रखनी होगी हर हाल में, जो जीएसटी है वो आउटपुट आईजीएसटी के रूप में यहां पर लग गया। क्लियर, बीइंग इंटरस्टेट सेल विद 18% आईजीएसटी। नेक्स्ट वन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज रुपीज 500, जुलाई के महीने में एक ट्रांजेक्शन होगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज किया 500, जीएसटी लगा, एक्सपेंसेस पे इनपुट होता है, तो जो एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन है हमें पता है अगर मेंशन नहीं है तो इंट्रा स्टेट ही है ये, यस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होनी थी, पर साथ में क्या लगाना पड़ा हमें, जीएसटी कौन सा है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी, दोनों जीएसटी लगे हैं इस पे, ध्यान रखो भी इस बात को। ओके, नेक्स्ट वन, प्रोफेशनल फीस रुपीज 500 पे टू सीए, सीए को फीस पे कर दी वी 500, अब मैंने शुरू में बताया था कि इस पे 2.5% जीएसटी लगना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये, आप वहां पर देख सकते हो जाकर, प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश होनी तो ट्रांजेक्शन ये थी, साथ में क्या लग गया जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों 2.5%, 125, टोटल फीस कितनी बन गई ये विद जीएसटी 25,250, बीइंग फीस पेड टू सीए विद बोथ जीएसटी डिपॉजिटेड, समझ लगा, दोनों जीएसटी के साथ, यस। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राहुल ऑफ मोगा, मोगा का है भी पटियाला का बिजनेसमैन, मोगा का राहुल, तो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लगेंगे, सेल है राहुल को, क्रेडिट सेल है, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल अगर बिना जीएसटी के होता, पर साथ में जीएसटी लग जाएगा, आउटपुट सेल पे आउटपुट लगता है, परचेज पे इनपुट लगता है, हमें पता है टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, 10,000 पे जब हमने 9% कैलकुलेट किया, 900 900, टोटल राहुल डेटर कितने का बन गया 11,800 का। नेक्स्ट वन, 20 जुलाई की पेड टेलीफोन बिल रुपीज 1,000 विद जीएसटी 18%, टेलीफोन बिल पे किया अभी 18% जीएसटी, जीएसटी 18 है तो लगेगा तो वही इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एक्सपेंसेस है आधा आधा हो जाएगा, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, अब ध्यान से देखो यहां पर भी यही लगा हुआ है, क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर हो गया एक्सपेंसिस की एंट्री। नेक्स्ट वन,
पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडिंग जीएसटी ₹5,900, जीएसटी के साथ 5,900 है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट है बेट, इनपुट सीजीएसटी का होता है बेट, इनपुट एसजीएसटी का होता है बेट, टू कैश कितना जीएसटी का टोटल 5,900। ओके तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 100, जीएसटी है जो है उस पे कितना लगा बताया मैंने आपको 18%, 18% के साथ टोटल वैल्यू विद जीएसटी कितनी बन गई 118। तो हम इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं जीएसटी भी, ध्यान से रखो 100 अपॉन 180। यस, इस ढंग से मैथमेटिकली एक कैलकुलेशन है, लेट द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 5000 है, अगर 100 पे जो जीएसटी है, ध्यान से हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, अब 5000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, 18% उस पर जीएसटी लगा, तो हमें पता है 900 जीएसटी, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। ओके क्लियर, 450 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट लगता है एक्सपेंसेस पे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट लास्ट वन, पेड सैलरी टू स्टाफ 15,000, सैलरी को स्टाफ सैलरी पे किया स्टाफ को, इस पे जीएसटी नहीं लगने वाला, भी ध्यान रखना सैलरी अकाउंट है अभी तो कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड विद इन बिजनेस इटसेल्फ, एक खर्चा है, किसी बाहर पे नहीं किया, किसी के साथ कोई लेन देन, बाहर की पार्टी के साथ पेमेंट नहीं हुई किसी एक्सपेंसेस की, सैलरी अकाउंट है अभी तो कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इस क्वेश्चन की सारी जनरल एंट्री हमने करनी। अब तक ध्यान से देखो टोटल 12 जनरल एंट्री है, 12 जनरल एंट्रीज आर देयर। ओके तो ये उसकी कंबाइंड रूप है जो हमने अब तक जर्नल एंट्रीज की। अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है जब जीएसटी के साथ क्वेश्चन करते हैं, हमने क्या करना होता है, क्योंकि हमने लेजर पोस्टिंग अभी नहीं की, अगर लेजर पोस्टिंग के साथ ये क्वेश्चन होता तो सारे अकाउंट के लेजर बनते, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इसी तरह से एसजीएसटी और आईजीएसटी का, तो हमें पता चल जाता कि किस जीएसटी में कितना कितना बैलेंस है। पर बिना लेजर पोस्टिंग के क्या करेंगे हम, सारी जनरल एंट्री में से जो 6 के 6 टाइप के जीएसटी हैं, इनपुट विद आउटपुट, उन सबका टोटल प्रत्येक जनरल एंट्री में से लेंगे। जैसे फर्स्ट में देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों इनपुट हैं 4500, तो 4500 यहां पर आ गया। ओके जितना इनपुट सीजीएसटी बनेगा हमें इतना पता है उतना ही इनपुट एसजीएसटी बनने वाला है, तो इनपुट सीजीएसटी कैलकुलेट कर लो, जहां जहां इनपुट सीजीएसटी है, जैसे यहां पर 1000, इसी तरह से नेक्स्ट इस ट्रांजेक्शन में देखो इनपुट सीजीएसटी 45, फिर इनपुट सीजीएसटी 125, फिर इनपुट सीजीएसटी 450, इन सबको मिला के देखो टोटल बन गया 6210। तो इनपुट एसजीएसटी भी इतना हुआ क्योंकि जितना सीजीएसटी लग रहा था उतना ही एसजीएसटी था। अब आ जाए इनपुट आईजीएसटी, इसी तरह से हमने सारी जनरल एंट्री में से जो इनपुट आईजीएसटी था उनका टोटल किया 19,400, फिर आउटपुट सीजीएसटी का टोटल किया इसी तरह से सारी ट्रांजेक्शन में से, वो आया 3780। जितना आउटपुट सीजीएसटी है उतना ही आउटपुट एसजीएसटी, वो भी 3780। आउटपुट आईजीएसटी कितना है ये वहां क्वेश्चन में हमें दे रखा है आउटपुट आईजीएसटी, ये देखो लक्ष्मी ट्रेडर के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई है, ये सेंटर में टॉप पे 27,000 आउटपुट आईजीएसटी। तो हमारे सारे के सारे 6 के 6 टाइप के जीएसटी ये बन गए, तो उसका जो एक समराइज बन गया जीएसटी का, ये देखो ध्यान से स्लाइड पे मैंने क्लियर किया है, सीजीएसटी इनपुट एंड आउटपुट, एसजीएसटी इनपुट एंड आउटपुट, आईजीएसटी इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहले मैंने बताया सारे इनपुट को उसी के आउटपुट में से सेट ऑफ या एडजस्ट करते हैं, सारे इनपुट डेबिट होते हैं आउटपुट क्रेडिट होते हैं, हमें पता है जब सेट ऑफ करेंगे तो आउटपुट डेबिट हो जाएंगे इनपुट क्रेडिट, समझ लगा। सारे इनपुट जो बिजनेसमैन बाहर पे करके आया है, जो कस्टमर से उसके पास आउटपुट के रूप में आए उसमें से वो एडजस्ट करेगा। एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले सीजीएसटी की बात करें, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, टोटल सीजीएसटी जो इनपुट था वो था 6210, आउटपुट में सिर्फ 3780 है, तो जितना है वो तो एडजस्ट करो पहले। यस, 3700 इनपुट सीजीएसटी को हमने एडजस्ट कर दिया आउटपुट सीजीएसटी में से, ऐसी एसजीएसटी को
आउटपुट एसजीएसटी काउंट है अभी, टू इनपुट एसजीएसटी काउंट, अभी दोनों के इनपुट पूरे एडजस्ट नहीं हुए, रहते हैं, वो कहां से जाएंगे? मैंने कहा था एडजस्ट होंगे आईजीएसटी में। अब आ जाए आईजीएसटी की बारी। आउटपुट आईजीएसटी हमें पता है टोटल 27,000। ओके, आउटपुट आईजीएसटी काउंट डेबिट 27,000 था क्रेडिट, क्योंकि अब सेट ऑफ करके फाइनल पेमेंट का टाइम आ रहा है। आउटपुट आईजीएसटी काउंट डेबिट, उसमें से जो बाकी इनपुट आईजीएसटी रहता था, इनपुट आईजीएसटी तो हमें पता ही पता है, पहले आउटपुट में से आईजीएसटी एडजस्ट होगा 19,400, वो एडजस्ट किया। फिर इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट किया जो बैलेंस रहता था, क्योंकि 6,210 में से 3,780 एडजस्ट हुआ था, बाकी कितना रह गया 2,430, ये एडजस्ट किया। फिर इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट किया, जब इन तीनों का ऐड किया और 27,000 में माइनस किया, तो बिजनेसमैन के पास, डियर स्टूडेंट, आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आराम से बड़ी पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देखें। अगर कोई कंटेंट, कोई शब्द आपको लगता है कि ये तो मुझे नहीं पता इस वीडियो का, तो इससे पहले के दो वीडियोस देखने बड़े जरूरी हैं, आप उनको भी देखें। जीएसटी से जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी फुल पैकेज इन तीन वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया। आई थिंक इसके साथ आपका जो काम है आसान बन जाएगा। और बहुत सी वीडियोज लगातार इस चैनल पर है जो मैं जानकारी के चैनल पर डाल रहा हूँ, और बहुत सी आने वाली हैं कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या मोटिवेशनल वीडियोस हों, आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।